Hey learners, welcome to Unacademy. My name is Sameer. I teach you English on this platform. Last 50 days, title देख के समझ में आ गया होगा. काफी घबराहट हो रही होगी तुम बच्चों को. नहीं हो रही? कोई बात नहीं, हो जाएगी. क्योंकि बेटा जैसे से दिन पास आएंगे, पेपर जैसे जैसे पास आएगा, डर तो लगेगा ना. देखो, तैयारी तुम सबकी अच्छी चल रही होगी. नहीं चल रही होगी तो मैं उसके और अच्छा करने के लिए इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ. अगर नहीं अच्छी चल रही तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना. मैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तुम्हें ज़रूर बता दूंगा कि लास्ट 50 डेज के एंड तक जब पेपर में देने जाओगे, जब तुम जिस दिन पेपर दोगे, उस दिन इंग्लिश सेक्शन तो अच्छा जाएगा ही जाएगा. सच्ची बता रहा हूँ. अभी मुझे पता है कि कुछ बच्चे स्कूल के साथ इसको दे रहे होंगे, कुछ ड्रॉपर्स होंगे जो स्कूल के साथ होंगे, वो कह रहे होंगे सर हम तो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे थे, हमसे नहीं हो पाया. कोई बात नहीं बच्चे, आई अंडरस्टैंड, वी हैव एन नंबर ऑफ रीजंस, एक्सक्यूजेस, सॉरी. बट बच्चे रियलिटी तो यही है ना, पेपर वाले दिन कोई भी आपके रीजन, कोई भी आपके एक्सक्यूजेस नहीं पूछेगा या फिर सुनेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा. इट वुड बी जस्ट अ स्कोर कार्ड, ऑल इंडिया रैंक. सब यही जानना चाहेंगे कि इसकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई, किसका कितना स्कोर आया, किसको कहाँ एनएलयू में कट ऑफ किया जाएगी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. तो इन क्वेश्चन से बचने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि रेडी रहो, तैयार रहो. अगर इससे पहले वाला मेरा वीडियो नहीं देखा हुआ है जिसमें मैंने वोकैबलरी के बारे में बात की हुई है, उस वीडियो में तुम्हारा वोकैबलरी सॉर्टेड है कि लास्ट मैंने पूरा अच्छे से लास्ट 50 डेज किया, मैंने उसको हिसाब से तुम्हें 30 डेज के हिसाब से वो वीडियो में बता दिया कि लास्ट 30 डेज में अपनी वोकैबलरी कैसे इंप्रूव करनी है. तो उस वीडियो को प्लीज़ रेफर कर लेना. उसके अलावा तुम्हारे लिए एक और चीज़ तुम्हें अवेयर करवा दूँ. लास्ट 50 डेज के लिए हम लोग क्रैश कोर्सेज वाले बैचेस चल रहे हैं जो कि स्क्रीन में तुम्हें दिख रहा है. इन बैचेस में तुम मेरी क्लासेस में एनरोल कर सकते हो. लास्ट 50 डेज में मैं तुम्हें PYQ करवा रहा हूँ पिछले 14 ईयर्स के, जिसमें हमारे NLU के भी आते हैं क्योंकि क्लैट को आए हुए इतना टाइम नहीं हुआ है. तो मैं तुम्हें हर पैटर्न के क्वेश्चंस कराने वाला हूँ. अब तुम में से कुछ बच्चे ये बोलोगे सर क्यों करा रहे हो PYQ, पिछले 3 साल का ही पैटर्न चल रहा है. तो मैं तुम्हें सिंपल चीज़ यही बताऊंगा कि अगर अपने पैटर्न को इंप्रूव करना है, मतलब क्लैट के पैटर्न से अगर तुम्हें अपने आप को रूबरू करवाना है या तो उसी में प्रैक्टिस करना है तो मॉक दो. बट अगर तुम्हें अपने आप को क्लैट के क्वेश्चंस को देने के लिए, कॉन्सेप्ट को देने के लिए तैयारी करनी है, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताऊंगा, PYQ क्वेश्चंस आर दी बेस्ट थिंग, क्योंकि वही बनाते हैं क्वेश्चंस. पैटर्न चेंज हो जाता है, क्वेश्चंस तो वही रहते हैं. अब तुम ये कहोगे नहीं सर पहले तो हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन पैसेज ही नहीं आते थे, पहले हमारे पास एरर स्पॉटिंग और ये सब के क्वेश्चंस आते थे. इंग्लिश तो नहीं बदल जाती ना, क्रिटिकल रीजनिंग तो नहीं बदल जाएगी ना. तो दैट्स व्हाट आई मीन टू से हेयर कि आपका जो सिलेबस है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड सिलेबस है, क्वेश्चंस घिसे पिटे वही 8 टाइप के आते हैं. मेन आइडिया लाइक यू नो फिगर ऑफ स्पीच, क्या ऑथर यहाँ पे इन्फर कर रहा है, किस चीज़ को कंक्लूड कर रहा है, मैं वो उसकी लिस्ट भी आपको इस वीडियो के एंड तक दिखा दूंगा. सो दैट अगर आप खाली वही क्वेश्चंस करना चाहो तो वो आप करो, मगर उसको किस तरीके से करना है वो वीडियो के मैं एंड तक बताऊंगा, ठीक है. तो सबसे पहली चीज़, आप लोग को मैं सारे के सारे PYQ कराने वाला हूँ. प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिनकी RCs मैंने एडिटोरियल RCs बना रखी है वो इन क्लासेस में कराऊंगा. कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स. अगर तुम उन क्लासेस नहीं पढ़ना चाहते तो मैं इस वीडियो में तुम्हें ये बता देता हूँ कि सबसे पहली चीज़ जो लास्ट 50 डेज में हमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं वो हैं ग्रामर. और ग्रामर में भी पूरी ग्रामर नहीं पढ़नी, बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है. क्यों? अब एक रीज़न देता हूँ. ग्रामर से क्वेश्चन नहीं आते हैं बट क्रिटिकल रीजनिंग से तो आते हैं. और क्रिटिकल रीजनिंग एज अ टॉपिक अगर मैं देखूँ, मैं जितने सालों से पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, खुद को भी अगर बात करूँ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था, जब पढ़ाई कर रहा था, तैयारी कर रहा था, तो एक चीज़ देखी थी, क्रिटिकल रीजनिंग एज अ टॉपिक सबको आ जाता है. तो में से मैं कितनों से पूछूंगा प्रेमिसिस क्या होते हैं, बता दोगे. कंक्लूजन क्या होता है, बता दोगे. अजम्पशन क्या होती है, बता दोगे. थोड़ी कन्फ्यूजन होती है क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट तो हमें समझ में आ जाता है, बट जब एप्लीकेशन प्रैक्टिस की बारी आती है कोई क्वेश्चन सही नहीं होता. गलती क्या हो रही है, रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि जब हम लोगों ने ग्रामर पढ़ी, हमने उसे फिल इन द ब्लैंक्स के कॉन्सेप्ट से पढ़ी, हमने कभी भी उसके कॉन्सेप्ट को समझा ही नहीं. जैसे अगर मैं तुम्हें बात करूँ लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की, इससे हमें पता चलता है कि एक नाउन दूसरे नाउन के साथ किस तरीके से लिंक्ड है, क्या रिलेशन है. जब ये रिलेशन पता चलेगा तभी तो कोई रीजनिंग डेवलप करोगे ना, कैसे हेल्प कर रहा है, कैसे लिंक कर रहा है. देर आर सेवरल रीजन, ऐसी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ग्रामर के, बट हम लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि सिलेबस का पार्ट नहीं है. एंड आई टोटली अंडरस्टैंड यू बच्चों. देखो जैसे जैसे पेपर दे रहे होते हैं तो हम लोग सबसे शॉर्टेस्ट वे या शॉर्टकट बोल दो इसकी तैयारी करके ही हम लोग हमेशा एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं. बट एक्चुअली में इफ़ यू वॉन्ट टू स्कोर गुड, ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आपकी इस 50 डेज में. अगर आपने ग्रामर को अभी तक नहीं छुआ, ध्यान नहीं दिया है, तो इन टॉपिक्स को तो ज़रूर पढ़ लेना. मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, बट इन टॉपिक्स को खुद से भी ज़रूर पढ़ लेना. पहला है वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब. उसके बाद सेकेंड टॉपिक है प्रोनाउन. प्रोनाउन में आपको सारे के सारे प्रोनाउन पढ़ने, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं, यानी नाउन को रिप्लेस करते हैं. तो पैसेजेस में आपको भी पता है कि
मेजॉरिटली हम लोग कभी भी डेटा को जब आपको दिया जाता है तो कंपाउंड स्टेटमेंट्स दी जाती है, तो एक और टॉपिक आ जाता है प्रोनाउन के साथ साथ आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस भी पढ़ने हैं, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि आपको जो पैसेजेस मिल रहे हैं वो कौन से टाइप के सेंटेंसेस मिल रहे हैं, उसमें डेटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कंपाउंड स्टेटमेंट में आपको दो डेटा एक ही सेंटेंस में मिल रहा है, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट में आपको कंडीशंस दी जा रही हैं, उस कंडीशंस में कैसे वो कंपाउंड स्टेटमेंट का ही एक पार्ट होती है, ये सारी चीज़ आपको अभी कन्फ्यूजिंग लग सकती है, बट जैसे ही उसके थ्योरी टॉपिक्स को पढ़ोगे तो मुझे सच में थैंक यू लिखोगे। तो प्लीज़ सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, सारे टाइप के प्रोनाउंस अच्छे से थ्योरेटिकली पढ़ लेना, क्योंकि रिलेटिविटी प्रोनाउन, अभी जब तुम पढ़ोगे सारी चीज़ों को तुम्हें समझ में आएगा कि मैं यही टॉपिक्स को ग्रामर के क्यों एम्फेसिस कर रहा हूँ। इसके अलावा जो आपको टॉपिक्स ग्रामर में पढ़ने हैं वो है टेंसेस, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, तुम समझ जाओगे कि वाई आई वॉज एम्फेसाइजिंग ऑन दिस टॉपिक या फिर पर्टिकुलरली कंजंक्शन या फिर टेंसेस। कंजंक्शन का अगर मैं एक एग्जाम्पल दूँ, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड, आई एम वेरी श्योर ये सेंटेंस हमेशा आपने कभी ना कभी लाइफ में आपने सुना ही होगा, आई लाइक यू बट एज अ फ्रेंड। ये जो आई लाइक यू था, फिर उसके बाद में जो हमने बट करके कंजंक्शन यूज़ कर लिया, सेंटेंस पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया नहीं हो गया? जो बच्चे की अच्छी रीजनिंग होगी, एक्सपीरियंस होगा, वो समझ गया कि हाँ पॉजिटिव का नेगेटिव हो चुका है। ऐसे ही रीजनिंग, ये जो रीजनिंग हमने प्ले किया, कंजंक्शन का यहाँ पे एक रोल था, ऐसे ही जो मैंने बाकी टॉपिक्स तुम्हें बताए हैं, जब तुम कभी भी एक रीजनिंग एक्सट्रैक्ट कर रहे होगे उनका भी इक्वल रोल होता है। तो मैं एक बार फिर से तुम्हारे लिए दोबारा बता देता हूँ कि तुम्हें ग्रामर में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कंपाउंड, सिंपल, कॉम्प्लेक्स। सेकंड, वर्ब्स में हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब। थर्ड टॉपिक हमारा क्या होगा, प्रोनाउंस, सारे टाइप के प्रोनाउन। फोर्थ टॉपिक हमारा होगा प्रेपोजिशन। फिफ्थ होगा टेंसेस, टाइमलाइन जानना बहुत ज़रूरी है कि वर्ब कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं तो कैसे समझोगे कि कौन सा कार्य हो चुका है, कौन सा कार्य पास्ट में है, कौन सा कार्य कंटिन्यूस हो रहा है। हिंदी में समझ में आ जाता है, मगर जब इंग्लिश की बारी आती है सबके सब हम फेल कर जाते हैं। सच्ची बात बता रहा हूँ, इंग्लिश में जितने अच्छे हो हिंदी में समझ जाओगे चल रहा है, चलता जा रहा है, बट जब वही सेंटेंस इंग्लिश में आ जाता है कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तभी मेजॉरिटी बच्चा हमें ये बोलता है, सर ऑप्शन ए और बी में ना बड़ी कन्फ्यूजन होती है, दोनों एक ही जैसे लग रहे हैं, क्योंकि टेंसेस बहुत वीक है तुम्हारे, जो तुम्हें रीजनिंग पता ही नहीं करने दे रहा कि वो एक्शन हो भी चुका है या नहीं हो चुका, और बहुत है वेरियस रीजंस है इसके पीछे। तो टेंसेस आप समझ गए। अब इसके अलावा एक एडिशनल टॉपिक है जो मैं आपसे बोलूंगा कि आप जरूर पढ़ लेना अगर आपके पास टाइम बचता है, दैट इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का जो रिलेशन होता है ना, ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच पढ़ के ही समझ में आता है कि कब ऑब्जेक्ट पहले आ रहा है, कब सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। ये हो गया ग्रामर का पार्ट। अब मेजरली जो क्लैट का पेपर है वो कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है। सबसे ज़्यादा मेजरली जो क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास मतलब क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आउट ऑफ 30 जो हम लोगों ने प्रीवियसली देखा है, 25 to 24 क्वेश्चंस हमेशा क्रिटिकल रीजनिंग बेस्ड आए हैं। तो 24 क्वेश्चंस को अगर तुमने अच्छे से कर लिया, इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है मैं तुम्हें अश्योर करता हूँ फुल नंबर लाए जा सकते हैं। एक्चुअली में सच में अगर ये ग्रामर अच्छे से पढ़ ली, क्रिटिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, बहुत ही ईजी है। डेवलप करनी होती है, क्रिटिकल रीजनिंग की प्रॉब्लम ये है, हम लोग बहुत गलत तरीके से पढ़ रहे होते हैं इसीलिए डेवलप कर नहीं पाते एंड तक। जो मैंने तुम्हें सीक्वेंस बताया कि पहले ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स अपने सही कर लो, फिर उसके बाद क्रिटिकल रीजनिंग के टॉपिक्स वापस पढ़ना स्टार्ट करो थ्योरेटिकली, फिर देखो उन एप्लीकेशन को अप्लाई करके 50 डेज, अगर रोज तुमने इस एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिया, 40 डेज भी कर दिया, आई एम वेरी श्योर क्रिटिकल रीजनिंग में एक भी नंबर तुम में से किसी का एक भी नंबर कभी नहीं जाएगा। टाइम मैनेजमेंट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग, जो मैं भी तुम्हें स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस में बता दूंगा। कम से कम क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाले होगे और बिल्कुल सही अटेम्प्ट करने वाले होगे। एक्चुअली होता है ना, एक एक तुम्हें बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फैक्ट एंड ट्रुथ। फैक्ट सही और गलत हो सकता है ना, ट्रुथ उस फैक्ट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। हम सबका ट्रुथ जो होता है, जो हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो फैक्ट का ही तो वर्जन होता है। हम लोग क्लोजेस्ट टू द फैक्ट जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, फैक्ट को आइडेंटिफाई नहीं करते। क्योंकि बच्चे देखो, पढ़ाई ना लगातार जब कर रहा होता है एक बच्चा, थकता ज़रूर है, खोता ज़रूर है, एंड वी एज अ टीचर अंडरस्टैंड कि तुमने पहला टॉपिक जब पढ़ाई करना स्टार्ट किया होगा बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, सेकंड टॉपिक में थोड़ा सा तो ऊँच नीच हो ही जाती है, थर्ड फोर्थ टॉपिक तक आते आते हम लोग ना बस फॉर द सेक पढ़ने लग जाते हैं, वो धीरे धीरे कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता है। तभी मैं तुम्हें बोलूँगा कि ये जो ट्रुथ हैं, अपने ट्रुथ को रीवेरीफाई करो, क्या वो फैक्ट के क्लोज हैं या नहीं है। हमारी क्लासेस में आना, ज़रूर तुम्हारी हेल्प करेंगे। मूविंग ऑन, ये तो क्रिटिकल रीजनिंग के सारे टॉपिक हो गए, ग्रामर हो गया। अब हमें क्या चीज़ और करनी है जिससे हमारा
क्लैट में और मतलब इंग्लिश सेक्शन में तो कम से कम 30 में से अच्छे खासे 25 नंबर आ जाएं। अभी तक मेरे लिए ये सही चल रहा है कि मैं थोड़ा सा सुकून में हूँ कि मैंने अभी जो बच्चों से अपने बात करी 2-3 दिन पहले, तो मैंने उन सबका पूछा कि मॉक में स्कोर तुम्हारा कैसा आ रहा है। तो मैं हमेशा ओवरऑल पूछता था, गलती ये करता था, तो कोई मुझे बताता 60 आ रहा है, 70 आ रहा है, बट जब मैंने उनसे पूछा इंग्लिश में कितना आ रहा है तो एवरीवन वाज आंसरिंग मी सर 23, 22, 25 एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी। इट वाज नॉट जस्ट अनअकैडमी मॉक, उन्होंने और भी बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के मॉक दिए और सब में उनका स्कोर ऐसा ही चल रहा है। अभी तक मैंने उन्हें प्रैक्टिस नहीं कराई थी, ये जो मैं तुम्हें अभी बैचेस दिखा रहा था अभी वीडियो के स्टार्टिंग में, मैंने उन्हें अभी प्रैक्टिस नहीं करवाई थी एंड आई फील रियली मतलब एज अ टीचर वेरी मतलब होता ना कि ये मेरे अपने बच्चों की तरह ही एंड आई फील वेरी प्राउड अबाउट इट कि थैंक गॉड इनका इंग्लिश सेक्शन तो सही चल रहा है। तो अब मैं जो तुम्हें स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ, ये अभी मैं अपने बच्चों अपने स्टूडेंट्स पे तो करने ही वाला हूँ, तुम भी कर सकते हो, तुम बिल्कुल अप्लाई करके देखो और ये टेस्टेड है, प्रीवियस बैचेस में भी टेस्ट किया और वहाँ पे ये काम करी है, तभी हमारी साइड से ऑल इंडिया रैंकर्स यहाँ से निकले हैं। तो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले PYQ की कोई भी किताब जैसे मैंने पहले मेंशन किया हुआ वीडियोस में उसको खरीद लो या फिर ऑनलाइन ही कर लो, अनअकैडमी में हमारे पास वो पूरे के पूरे सॉल्व है, बट मैं तुम्हें कहूँगा खरीद लो या या तो प्रिंट आउट निकाल लो कहीं से भी, अगर तुम्हें PDF मिल जाती है, देर आर वेरियस साइट्स ऑनलाइन, सच में बहुत साइट्स हैं, तुम्हें मिल जाएंगे PDF मतलब ये PDF फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस, उसको प्रिंट आउट निकाल लो, ठीक है। और एक और चीज़ करो, 30 OMR शीट तो एटलीस्ट निकाल लो, 30-50 प्रिंट आउट निकाल लो, अगर नहीं पता तो जाओ कहीं साइबर कैफे में जाके पैसे वैसे थोड़े से खर्च करो और OMR शीट्स निकाल लो और उस क्वेश्चंस को जो तुम PYQ के कर रहे हो OMR शीट्स में ही करना, ठीक है। टाइमर वाइमर के लिए मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, वो एक डिफरेंट सेपरेट हमारा एक बिल्कुल वीडियो होगा, क्योंकि स्ट्रैटेजी में लग जाएगा बेटा 15-20 मिनट अच्छे से समझाने में कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है। तो फिलहाल के लिए बस अभी सिलेबस कवर और लास्ट 50 डेज में हमें क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं अभी बता दे रहा हूँ। सबसे पहली चीज़ OMR शीट, PYQ क्वेश्चंस। अब इसके अलावा बच्चे हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमें नहीं करना चाहिए PYQ, जैसे मैं तुम्हें अभी बता रहा था कि आधे बच्चे तो PYQ करते ही नहीं है, मतलब 3 साल के करेंगे, उससे पहले के करेंगे ही नहीं, दे वुड बी लाइक अरे पैटर्न चेंज हो गया था, वैसे क्वेश्चंस नहीं आते थे। द थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड एंड एनालाइज द क्वेश्चंस, वो कहाँ से पैसेज लेके आते हैं, वो किस तरीके के तुमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या तुमसे कॉम्प्रीहेंड करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो अगर तुम पिछले 14 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, आई एम वेरी श्योर तुम क्लैट के जो पेपर क्रिएटिंग वाले कंसोर्टियम है उसको पूरा का पूरा अंडरस्टैंड कर लोगे। हम टीचर्स यही तो करते हैं, हम इनके ब्रेन को कैसे पढ़ लेते हैं, तुम्हें लगता है कि हमारे वहाँ पे कोई दोस्त होगा जो हमें बता रहा होगा कि पेपर कैसे आता है, हम लोग जो कॉन्सेप्ट को प्रिडिक्ट करते हैं वही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट को एक पैटर्न में रिपीट करते हैं। जब तक तुम ये सॉल्व नहीं करोगे तुम कभी भी इसे समझ नहीं पाओगे और तुम्हारी जो प्रिपरेशन जर्नी है बच्चे वो सिर्फ और सिर्फ एक प्रिपरेशन जर्नी बन के रह जाएगी, क्योंकि इन दी एंड वी बोथ नो हमें सिर्फ और सिर्फ हमारे स्कोर कार्ड पे जज किया जाएगा, हमें ये नहीं देखा जाएगा कि हमने 10 घंटे पढ़ाई की, हमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने कितने बार रोए होगे रातों में, सब तुमसे एक चीज़ पूछेंगे, रैंक आई नहीं आई, तो मुस्कुरा के तुम्हारी लाइफ से आगे निकल जाएंगे और कोई तुम्हें पूछेगा नहीं, तुम्हारी ये पूरी के पूरी साल महीनों की जो जर्नी है राख बन जाएगी। तो इससे बचते हैं, सबसे पहली चीज़ PYQ के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सैंपल पेपर्स अभी तो नहीं आया, मैंने जैसे वेबसाइट पे देखा था, जैसे ही आएगा तो एक तो उसको भी देख लेना, उससे भी थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा, नहीं तो मैं यहाँ पे सबसे पहले वीडियो लेके आ जाऊँगा, एनालिसिस कर लूँगा तुम्हारे लिए ताकि तुम्हें भी थोड़ा सा और ईजी रहे। बट एक चीज़ तुम्हें और करनी है ये PYQ और ये OMR शीट के साथ साथ, तुम्हें ना आर्टिकल्स पढ़ने हैं तुम्हारे लिए। मैं हाँ ये 201 आर्टिकल्स की एक लिस्ट बना रहा हूँ जो मैंने बच्चों को अभी प्लस वाले स्टूडेंट्स को अपने शेयर की थी, तुमसे भी कर दूंगा इन द फ्यूचर, जैसे हमारा एक वीडियो बनेगा वो स्ट्रैटेजी वाला या फिर हाउ एडिटोरियल वाले, जैसे एडिटोरियल आर्टिकल्स को पढ़ना चाहिए लास्ट मिनट में अभी, तो मैं उसके लिए तुम्हारे उस वीडियो में वो 200 आर्टिकल्स डाल दूंगा जो कि मैंने सेल्फ क्रिएट किए हुए, हिंदूज, इंडियन एक्सप्रेस और कुछ इंटरनेशनल उससे। बट तुम्हारे साथ ये कि क्लैट का पेपर जो आया है, मैंने अभी जो पिछले पैसेजेस देखे हैं वो हमेशा हिंदूज या फिर इंडियन एक्सप्रेस से ही निकला है, कुछ इक्के दुक्के होंगे जो कि हाँ कुछ मैगजीन से आए हुए हैं, बट मेजरली ब्लाइंडली पैसेजेस हिंदू से आए हुए हैं और इंडियन एक्सप्रेस से आए हुए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, मैंने देखा यूट्यूब के चैनल में या फिर बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम में भी मतलब एक दूसरे से शेयर करते रहते हैं चीज़ों को, कभी भी हिंदूज के आर्टिकल जो जो पढ़ रहे हो एक सर्टेन थीम्स में, तुमसे अभी यहाँ पर हम लोग डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर देंगे, ये थीम्स के जब भी तुम आर्टिकल्स पढ़ रहे हो अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, ऑथर का मेन आइडिया क्या है। दूसरा सवाल, इसका टाइटल क्या हो सकता है, दिया होगा यार वहाँ पे आर्टिकल में, बट इसका टाइटल और क्या हो सकता है, तुम दोगे उसको टाइटल। फिर उसके बाद थर्ड सवाल पूछोगे, ऑथर जो है किस किस चीज़ों को चुनेगा, इस पैसेज में ऑथर ने किन किन चीज़ों को चुना है या फिर किन किन चीज़ों को बड़ा एम्फेसिस किया है। फिर उसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स उसके आगे लिख दोगे, एक एक लाइन छोड़ के लिखना ताकि उसकी ऑपोजिट स्टेटमेंट्स तुम लिख सको, इसे स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग स्ट्रांग हो रहा होगा। इसके बाद तुम्हें ये कंक्लूड करना है कि इस पूरे आर्टिकल को अगर मुझे एक लाइन में लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, वो करोगे। और उसके अलावा कि सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऐसी कौन कौन सी चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ियों के साथ हम लोग थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं, बाइक को, साइकिल को, तुम्हें पता है रिलेशंस में हम लोग कुछ भी रिलेटिविटी कर सकते हैं, रीजनिंग स्किल्स इंप्रूव करता है। ये सवाल पूछ लोगे ना
ऑटोमेटिकली ही तुम्हारा एक आरसी प्रैक्टिस हो रहा है, रीडिंग हो रही है, कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव हो रही है, ताकि जो तुम समझ रहे थे ऐसे कम से कम 50-100 आर्टिकल्स के साथ भी कर लोगे ना पेपर से पहले, दो आर्टिकल के साथ भी कर लोगे डेली में, तुम्हारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में एक नंबर नहीं जा रहा। क्योंकि अभी तक हम लोग ना आधे टाइम तो यही ढूंढ रहे होते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस कहाँ से करें, इंप्रूव कहाँ से हो, हमें पता नहीं PYQ करोगे और ये जो टेक्निक मैं तुम्हें बता रहा हूँ अगर ये लास्ट तुमने 50 डेज में कर ली, इंग्लिश में नंबर कहीं नहीं जा रहे तुम्हारे, आई स्वेयर। इसके अलावा मैंने एक टॉपिक तुम्हें अभी नहीं बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, दैट वाज फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस। ये आते ही आते हैं फिगर ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस के लिए, अगर तुम्हें नहीं पता तो आई एम वेरी श्योर मेरी एक क्लास हो रखी है, उसका भी लिंक मैं तुम्हें दे दूंगा जब भी मुझसे फ्यूचर में मिलोगे। यहाँ पे मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूँ कि ये टॉपिक्स तुम पढ़ लो, लास्ट 50 डेज के लिए इनफ है। मैं और कोई टॉपिक को रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि क्लैट का जो पेपर है पिछले 3 साल से जो हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं यही क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जा रहे हैं, जो कि अभी तो मैं स्क्रीन में मैं दिखा भी दूंगा, यही क्वेश्चंस हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं। तुम खुद भी देखोगे PYQ के क्वेश्चंस यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम लोग को जो प्रॉब्लम आ रही है, हम लोग मोटिवेटेड नहीं है, हम ज़्यादा सोच रहे हैं, हम घबरा रहे हैं इस पेपर को लेके, हमें ये डर लग रहा है कि हमारा पेपर ना छूट जाए, हम मतलब वहाँ पे जाके बिल्कुल से वो होता ना लॉस्ट फील ना करें जैसा अभी हम लोग फील कर रहे हैं, हमारे मॉक में नंबर नहीं बढ़ रहे। रीज़न यही है क्रिकेट, क्योंकि रीजनिंग नहीं इंप्रूव हो रही है। सच्ची बात है तुम्हारे नंबर इसीलिए इंप्रूव नहीं हो रहे क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग इंप्रूव नहीं हो रही। तो उसको इंप्रूव करने के लिए भी मैं तुम्हें टिप्स अभी जो बताई है ग्रामर के टॉपिक्स और रीजनिंग वैसे इंप्रूव कर लो, अपने आप ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी नंबर इंप्रूव होते हुए दिख जाएंगे और बहुत सेक्शंस में तुम्हें इंप्रूवमेंट दिखेगी, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे अंदर। सच बता रहा हूँ, इन चीज़ों को करके देखो। नहीं तो मैंने तुम्हें बताया मैं क्लासेस ले रहा हूँ, अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आओ, लास्ट 2 महीने में भी बहुत कुछ हो सकता है, मेरे पे फेथ रखो, अनअकैडमी पे फेथ रखो, हम सब मिलके आज भी क्रैक कर सकते हैं जाके चीज़ों को, अगर तुम्हें लगता है कि अभी तक तुम बहुत पीछे हो। तो सबसे पहली चीज़, हार नहीं माननी, खुद पर भरोसा रखना है, क्योंकि तुम ही खुद को हरा सकते हो या तो तुम ही खुद को गिरा सकते हो। और ये भी बड़ी सच्ची बात है, तुम्हें भी पता है लाइफ में हम लोग ना दूसरों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होते, हम खुद ही को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। ये तुम लोग को अभी लाइन नहीं समझ में आएगी, बट अगर कभी भी फुर्सत मिले 5 मिनट अपने साथ बैठना और नोटिस करना कि सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े दोस्त तुम खुद ही के होते हो। क्लैट का सपना देख रहे हो मगर क्या मेहनत कर रहे हो, 70,000 लोगों से डर रहे हो मगर क्या उन 70,000 को घूरने की हिम्मत कर रहे हो, उनसे बेटर रिजल्ट लाने की हिम्मत कर रहे हो, उनसे बेटर पढ़ने की हिम्मत कर रहे हो। यहाँ तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो तुम्हें बताएगा कि तुम्हारी उस दिन ऑल इंडिया रैंक आ रही है या नहीं आ रही। सिलेबस हर 70,000 बच्चा करके आएगा, उस पेपर के बारे में 70,000 बच्चा पढ़ के जान के किस नेचर का पेपर है, किस तरीके से पढ़ना है, सब करके आएगा। बट ऑल इंडिया रैंक जिसकी आती है ना, सिर्फ एक ऐसे इंसानों की आती है जो अपने पे भरोसा करते हैं, अपने आप को टिल दी एंड पढ़ाई पे लगाते हैं। किसी दिन 5 घंटे पढ़ोगे, किसी दिन 30 मिनट पढ़ोगे, किसी दिन 10 घंटे पढ़ोगे, पर जो एंड तक पढ़ लिया और ये जो तरीके मैंने तुम्हें बताए ये भी कर लिए, ये तो हम ऐसे अनएक्सपर्ट ही तुम्हें बता रहे हैं, बट अगर तुमने खुद की अपनी फ्लॉबैक्स, अपने ड्रॉबैक्स, अपने फ्लॉज, अपनी मतलब स्ट्रेंथ, ये सब चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली, अरे कोई तुमसे नंबर नहीं छीन रहा, तुम बिल्कुल से नंबर लेके आओगे। तो इस वीडियो को जो मैं तुम्हें बताया है, इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखना, हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे, तुम्हारी हेल्प करते रहेंगे, तो भरोसा रखो और खुद के साथ रिलैक्स होके मन लगा के पढ़ाई करो। रिजल्ट जो आएगा हम तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे, रिजल्ट आएगा तब भी तुम्हारे साथ रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी मिली हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर भी कर देना, एंड मैं ऐसे वीडियोज़ लेके आता रहूँगा, और क्लासेस में मुझे ज़रूर आके बताना कि हाँ ये वीडियो कैसा लगा। तो सी यू ऑल इन माई क्लासेस। अगर तुम एडिशनली अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहो तो मेरा कोड सैम यूज़ कर सकते हो। ये क्लासेस फ्री पेड दोनों होती है, अगर फ्री क्लासेस में भी एंटर करना है तब भी सैम कोड लगा लेना, अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तब भी सैम कोड लगा लेना। एंड ऑल दी बेस्ट बच्चे, भरोसा रखना, हो जाएगा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, ऑल दी बेस्ट।